उन्नत कृषि यंत्रों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की सरकार की कोशिशों से किसानों की तकदीर बदलने लगी है। उन्नत कृषि यंत्रों के प्रयोग ने अनूपपुर जिले के एक छोटे से किसान धन सिंह टेकाम को स्वरोजगार में स्थापित कर मालामाल कर दिया है। आइए देखते हैं सफलता की कहानी सेगमेंट में यह खास रिपोर्ट। ये हैं अनूपपुर जिले के बसनिया कला ग्राम में रहने वाले युवा कृषक धन सिंह। आज ये युवा कृषक किसानों को उन्नत कृषि यंत्र किराए पर देकर हर साल लाखों रुपए की आय प्राप्त कर रहा है। 3 साल पहले ही धन सिंह को राज्य सरकार के कृषि अभियांत्रिकी विभाग की निजी कस्टम हायरिंग योजना के तहत 12,20,000 रुपए के उपकरण दिए गए थे। योजना के तहत उन्हें 2 ट्रैक्टर, थ्रेशर, प्लाउ, कल्टीवेटर, रेज्ड बेड प्लांटर आदि उन्नत कृषि यंत्र मुहैया कराए गए और तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया गया। इसमें 6,10,000 रुपए का अनुदान भी शामिल रहा। योजना का मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण युवाओं को ग्राम में ही रोजगार उपलब्ध कराना है एवं आसपास के गांव में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत 2017-18 में धन सिंह टेकाम ने अपना निजी कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किया था। इस केंद्र में उन्होंने ट्रैक्टर, रोटावेटर, थ्रेसर आदि यंत्र खरीदे थे और जिसमें 6,10,000 रुपये उनको मध्य प्रदेश शासन द्वारा बैक एंडेड सब्सिडी के तौर पर उपलब्ध कराया गया था। इसमें जो कस्टमाइजिंग केंद्र में जो यंत्र धन सिंह टेकाम ने खरीदे हुए थे उन यंत्रों को आसपास के गाँव में उन्होंने किराए पर दिया है और जो किराया उन किसानों से उन्हें प्राप्त हुआ है उससे उनकी जो आमदनी हुई है उससे उन्होंने अपने केंद्र को और बड़ा तो किया ही है, साथ में क्योंकि वो BSc हैं, ITI हैं, शिक्षित थे तो उन्होंने अपने गांव में एक जतिन इलेक्ट्रिकल्स नाम की एक दुकान खोली हुई है जिसमें वो पंप और मोटर आदि का सुधार का कार्य करते हैं और इस दुकान को और कस्टम हायरिंग केंद्र को मिलाते हुए उन्होंने 7 ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया है। इस प्रोजेक्ट ने धन सिंह की किस्मत पलट दी। पहले साल ही करीब 5 लाख रुपए का कारोबार किया, उसके बाद ये आमदनी बढ़ती चली गई। एक समय था जब ग्रेजुएशन करने के बाद काफी कोशिशों के बाद भी धन सिंह को नौकरी नहीं मिली, लेकिन निजी कस्टम हायरिंग केंद्र से हुई कमाई से धन सिंह ने इलेक्ट्रिकल्स की दुकान समेत मोटर बाइंडिंग एवं पंप सुधारने की दुकानें भी स्थापित कर ली। इससे उसका कारोबार और आमदनी बढ़ती चली गई। कमाई के साथ साथ धन सिंह किसानों को उनकी फसलों का उत्पादन बढ़ाने में भी मदद करते हैं। सर, शुरू में तो नहीं पता चला, हाँ। जो मांग करते थे किसान वो सामानों के लिए भेजाते गए, तो मैं बाद में धान थ्रेसर खरीदा, पैरा कटर कहे वो लाया, बलराम हल कहे वो लेके आया उसी कमाई से, और अपना एक वाटर पंप है वो भी लेके आया। आप तो खुद देख रहे हैं मैं जो कुछ भी किया हूँ, जैसे अपना खेती का सिस्टम चेंज हो जाना और घर का भी पोजीशन बदल गया है, जो अपन घर मिट्टी और खपरेल वाले में रहते थे वो धीरे से 9 कमरे का तैयार कराए, मकड़ी परिवार हम ज्वाइंट फैमिली हम लोग, तो उसके बाद जैसे ही योजना का लाभ मिला सरकार तरफ से तो धीरे धीरे सर स्थिति सुधरने लगी। आज ऐसी स्थिति है कि हम भी चार भाई हम सब रोजगार में हैं और इसके अलावा 3 ड्राइवर, एक नीचे अनूपपुर में है, 2 ड्राइवर अभी हैं यहाँ और 2 दुकान पे रखे वर्कर्स। ऐसा नहीं लगा शुरू में सर, एकदम नए थे सर, आइडिया नहीं था हमको कैसे करें, फिर धीरे धीरे सर मैं इसमें गया और फिर धीरे धीरे उसके बारे में जानने लगा तो फिर समझ में आने लगा कैसे बचत होती है, कैसे क्या करना है।